फ्रैंकलिन बेंजामिन वड्डा या मैं वड्डा या और कोई वड्डा, ना बाप ना भैया ना सबसे बड़ा रुपया। हमारी खानदान में एक दाग लग गया उसे कि चौधरी जहूर लाई का पोता उस दिन जरदारी को कहता है कि मुझे भी कुछ डॉलर दे दो, मुझे भी कुछ डॉलर दे दो। मैं चौधरी शुजात को इन्होंने यह अखबार बना के रखा, कुर्गियां जो है कुकड़ जो है ये आंडों में बांगे देने लग पड़े। अभी सियासत की इनको समझ नहीं। मैं पिछले 5 महीनों से इस कोशिश में था कि किसी न किसी तरीके से इन दोनों भाइयों को आपस में इकट्ठा करूं। मैं तो आपका पैगाम दे दूंगा, मगर लोग ना अंधे हैं ना बहरे, उनको नजर आता है कि एक भाई के आगे पुलिस लगी हुई है और एक भाई के पीछे पुलिस लगी। चौधरी शुजात साहब की मैं अपने वालिद की तरह इज्जत करता हूं और करता रहूंगा, मगर एक मौका ऐसा आ गया है इसमें अपने आप पे शर्मिंदगी भी होती है। रातों को अगर सोचे नमू तो नींद भी नहीं आती कि ये किसकी नजर लग गई है हमारे घर को। जो शहर के हमारे भाई हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, मैं उनकी राय जानना चाहता हूं कि ये जो आजकल हमारे घर की सियासत जो खराब हो रही है उसके बारे में आपकी राय जानना चाहता हूं। मैं पिछले 5 महीनों से इस कोशिश में था कि किसी न किसी तरीके से इन दोनों भाइयों को आपस में इकट्ठा करूं। चौधरी शुजात साहब की मैं अपने वालिद की तरह इज्जत करता हूं और करता रहूंगा, मगर एक मौका ऐसा आ गया है इसमें अपने आप पे शर्मिंदगी भी होती है। रातों को अगर सोचे नमू तो नींद भी नहीं आती कि ये किसकी नजर लग गई है हमारे घर को। ये आजकल मैंने कल भी शायद किसी बंदे को कहा था कि पंजाबी की मिसाल है कि मुर्गियां जो है कुकड़ जो है ये अंडों में बांगे देने लग पड़े। अभी सियासत की इनको समझ नहीं। चौधरी शुजात को इन्होंने ये अखबार बना के रखा, सुबह शाम उन बेचारों को इतना परेशान किया हुआ है कि वो भी सारी रात ना सो सकते हैं ना अपना इजहार ख्याल कर सकते हैं। उम्र के इस हिस्से में जितना उनकी औलाद उनको खराब कर रही है, शायद इतनी खराबी चौधरी शुजात और चौधरी परवेज राय ने अडयाला जेल में जाके भी ना देखी। मगर अब क्या करूं, सच आप सबको भी पता है, कोई बयान करे या ना करे। इंतखाबात इस मुल्क में किसी वक्त भी हो सकते हैं और लोगों ने उस वक्त अंदर जाके पर्ची पर मोर लगा के किसी पर एतमाद और किसी पर ना एतमाद करने का इजहार कर लिया। तो इससे पहले कि वो वक्त है, मैं चाहता हूं कि जो मेरा फैसला है वो चौधरी शुजात को आगाह करने से पहले मैं आप लोगों की राय लूं, आप लोगों से मशवरा करूं। मेरी आज सुबह भी चौधरी शुजात साहब से बात हुई और उन्होंने मुझे कहा कि मेरा पैगाम देना गुजरात जाकर कि मैं और परवेज राय इकट्ठे हैं। मैंने कहा मैं तो आपका पैगाम दे दूंगा, मगर लोग ना अंधे हैं ना बहरे, उनको नजर आता है कि एक भाई के आगे पुलिस लगी हुई है और एक भाई के पीछे पुलिस लगी। मैं उनको क्या जवाब दूं? रोज टीवी पे देखते हैं वो एक शहबाज शरीफ के साथ खड़ा जिसका गुजरात की सियासत से तल्लुक ही कोई नहीं, और एक जाके एफआईए से अपनी जमानतें करवा रहा है। ना मैं इस तरह की सियासत अपने खानदान में कभी देखी ना कभी सुनी।
अपने बालक चौधरी जवाहरलाल शहीद से लेकर, ये आप सबको पता है कि ये इमारत, ये खानदान दो भाइयों ने चौधरी जवाहरलाल और चौधरी मंजूरलाल साहब ने खड़ा किया। एक भाई ने दूसरे भाई की सपोर्ट की तो फिर ही चौधरी जवाहरलाल का नाम आगे बढ़ा। अगर ये दोनों शुरू में ही लड़ पड़ते तो आज यहां पर ना हमारे खानदान से किसी ने MLA बनना था, ना किसी ने MBA बनना था। आज अगर अल्लाह ताला ने फजल किया हुआ है तो पंजाबी जो कहते हैं कि जर के खाओ। मेरी भी आदत थोड़ी सी है कि मेरी जुबान से सच निकल जाता है। पंजाबी में कहावत है कि अगर भूखे को आप खाना देते हैं तो भूखा जो है उसका पेट भर जाता है, मगर अगर जिसका पेट भरा हो उसका जितना मर्जी दे उसका कभी पेट नहीं भरता। हमें तो जैसे मैंने पहले कहा है कि पता नहीं किसकी नजर लग गई, जिस मोड़ तक हम आ पहुंचे, अभी पिछले दिनों जरदारी आया हुआ था उधर लाहौर, अपने एक वजीर के घर जो मांगी तांगी सीट पर इलेक्शन लड़के बना हुआ है, जिसको चौधरी परवेज लाई ने अपनी सीट खाली करके MLA बनवाया था, उसके घर जाके वो जब भी देखता है कि शिवराज साहब थोड़ा सा अपने खानदान की तरफ वापस जाने लगे तो कभी शहबाज शरीफ चला जाता है, कभी जरदारी चला जाता है, कभी मौलाना फजल रहमान चला जाता है। इन्होंने बारियां लगाई हुई है, ये समझते हम बेवकूफ हैं, हम सारी शरारतें इनकी जानते हैं। वहां आकर ये बात याद रखें, ये प्रेस वाले भी सुन रहे हैं, अगर मैं गलत कहूं तो जहां से मर्जी इस बात की तस्दीक करवा लें कि वहां तारिक बशीर चीमे ने, जिसने हमारे खानदान का बेड़ा गर्क करने में अहम किरदार अदा किया, उसने जरदारी साहब को यह कहा कि हम मरते दम तक आपके साथ हैं। चौधरी शुजात की मौजूदगी में उसने कहा मैं और साले का मरते दम तक आपके साथ। अगर ये मरते दम तक उनके साथ रहने का इरादा रखते हैं तो हमारा तो कोई इरादा नहीं। ये अल्लाह ताला को पता है कि पहले किसने मर जाना है, मगर दूसरी बात जो वहां पे हैरान कौन हुई, मैं समझता हूं कि ये हमारी खानदान पे एक दाग लग गया उसे कि चौधरी जवाहरलाल का पोता उस दिन जरदारी को कहता है कि मुझे भी कुछ डॉलर दे दो, मुझे भी कुछ डॉलर दे दो, मैंने फलां फलां बंदे से पैसे लेने हैं, तो मुझे उससे मांगने की एक तरीका होता है। तो आगे जो जवाब जरदारी ने दिया वो भी कमाल का था। उन्हें कहा तू फिक्र ना कर पंजाबी, तू फिक्र ना कर, तेनू भी डॉलर पहुंच जाए। चौधरी साहब, असगर साहब तुम सुनते हो फिर कि जरदारी आख्या तेनू भी डॉलर पहुंच जाने, हूं दसो वो डॉलर की फोटो छपी है फ्रैंकलिन बेंजमिन की, ये फ्रैंकलिन बेंजमिन वड्डा या मैं वड्डा या और कोई वड्डा, ना बाप ना भैया ना सबसे बड़ा रुपया, ये हमारे खानदान पे पहली दफा हुआ है कि हमें इस लानत का सामना करना पड़ा है। जरदारी जितने पैसे बांटता फिरते इतने तो चौधरी शुजात खैरात में अपने पैसे दे दिया करता था। ये बेटे किस बाप के हैं? आज अगर वो मजबूर है, चल नहीं सकता बीमारी की खातर, कुवत फैसला नहीं है, तो जरा तारीख की पुरानी किताबें उठा के देखो
के करोड़ों नहीं अरबों रुपए इस शख्स ने अपने हाथ से बांटे। आज तक लोग इसकी क्यों इज्जत करते हैं? मगर बीच मंदार के जाके इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, बेड़ी डुबो दी। मैं उस बात पे ज्यादा बात नहीं करना चाहता, सिर्फ अगर कोई हल है तो आप लोगों के पास। मैं तो इनके पांव भी पड़ा हूं, रो के भी इनसे अर्ज की है। अब आपकी बारी है, आप मुझे मशवरा दें, मैं इनसे बात करता हूं, आप भी जाके कोशिश करके देखें, कोई तरीका ऐसा अख्तियार करें कि ये खानदान एक नहज पे चल सके। हुसैन लाई ने जो बातें की हैं, इसकी मजबूरी है कि ये कभी भी नून लीग के साथ नहीं चल सकता, क्योंकि इसके मुखालिफ वहां मौजूद है। यहां शहर में हम नून लीग के साथ नहीं चल सकते। इधर कुछ लोगों को इन कुकड़ों को जल्दी जल्दी अंदाजा हो गया कि जी डीसी को काम करा लिए, काम करा लिए, काम चल जाता। इतने नहीं काम चलता। सियासत में चौधरी असगर को पता है कि हमने बदल बदल के इधर उम्मीदवार सुबह असेंबली के हम लेके आए, कभी अराई बिरादरी से ले आए, कभी कहां से ले आए, मगर कामयाबी उस वक्त हासिल हुई जिस दिन हमने इमरान मसूद को यहां से एमपीए का कैंडिडेट बनाया। आज भी यहां गुजरात शहर से हमारा उम्मीदवार इमरान मसूद ही है। ये लोगों की खुशफहमी है, ये जो लोग उम्मीदवार बने फिरते हैं ना, इनको यकीन कर लें ये सीधा रास्ता जाता है नौजवान चौक पे। उन पंजाबी जी गल कर रहे हैं, चार बार घूमण करी देख ना तो खुला छड़ दो, इन्हें को जरूर पहले से वापस पहुंच जाओ, जे ये पहुंच जाने तो मेरे फड़ लिया। इन्हों को गुजरात नाल इन्होंने वाकफियत है। बहरहाल अंदर खाने का भी इंतजाम है, तुम्हें सारे खाना खा के भी जाना है, तो मैनू अपने मशवरा भी दे के जाना है। मैं अंदर बैठ के थोड़ा इंतजार कराँगा, मैनू भावे रात के 2 बज मैं इतने ही बैठे हैं, क्योंकि मैं थोड़ी गलत जाके चोई शुजात सुनानी है। बहुत शुक्रिया। उठे करा शहर की गल है, बस मैं तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करना, और फिर एक बार तुम कहंगा कि जान तो पहला मैं मिलकर जरूर जाए जाए, मैं मशवरा दे के जाए जाए, क्योंकि ये गलत मैं जाके चोई शुजात सामने करना। जिले गुजरात ने फैसला करना है, और कोई शक नहीं इस रस्ते पे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन चौधरी जोरलाई शहीद का खून है हमारे में, मुश्किल वक्त का सामना करना जानते हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। मुझे शर्म आती थी जोरलाई साहब डट के मुकाबला कर रहे हैं पंजाब असेंबली में, ऑपोजिशन में अगर कोई एक वाहिद आदमी खड़ा है तो वो परवेज लाई खड़ा है, मोनस लाई साहब डट के खड़े हैं, परवेज साहब जमानत पे हैं, मोनस लाई साहब जमानत पे हैं, ये पर्चे ये एफआईए की जो मीटिंग है ये कौन करा रहा है? और अफसोस इस बात का होता है कोई नहीं साथ है। अगले दिन शहबाज शरीफ को अपने पास बुला के कह रहे हम तुम्हारे साथ हैं। ये कौन सी सियासत है जिसमें एक तरफ हमारे मुखालिफ हमें ही कमजोर कर रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे अंदर से लोग जाके उनकी हमायत कर रहे हैं? मजाक किसका उड़ता है? हमारा उड़ता है। पकड़ लिए
मैंने तब वाजे किया कि मेरी एक तरफ है, मैंने अपनी जमात छोड़ दी लेकिन मैंने अपनी जगह नहीं छोड़ी। और मुझे अफसोस होता है कि आज जब ये सब कुछ हो रहा है, किसी से छुपा नहीं है, आज भी जब हम सवाल करते हैं अपने कायदीन को तो हमें जवाब मिलता है और कोई नहीं, सियासत अपनी अपनी है। तो मेरा भी यही जवाब है, अगर सियासत अपनी अपनी है जिसमें इतना दम है शहर आके इलेक्शन लड़के मुझे दिखाए, इंशाल्लाह परवेज साहब के साथ, मोने सलाई साहब के साथ हर मुश्किल वक्त में खड़े, जिले गुजरात में उनके साथ खड़े, मेरी हर कोशिश, मेरा खून का हर खतरा, मेरे पसीने का हर खतरा उनके लिए हाजिर है। लोगों को लग रहे कि गुजरात में सियासत करना कोई मजाक है, एक दफा ड्राइंग रूम से बाहर निकल के गुजरात की सड़कों पे आए तो सही, इनको पता लगे सियासत होती किस तरह, सियासत करते किस तरह। और आज नवाज शरीफ और जरदारी, इनको नजर आया कि हम इनके हलकों में इनको नहीं हरा सकते, इनके जिलों में हम इनको नहीं हरा सकते, तो इन्होंने कोशिश की है कि हमारे घर में लड़ाई डालें। ये मेरा आप लोगों से वादा है कि ये बात ना मैं कभी भूलूंगा, ना मेरे वाले साहब कभी भूलेंगे, इस बात का भी बदला इनसे इंशाल्लाह ताला लेंगे। ये जो साजिश हो रही है ये सिर्फ और सिर्फ इस जिले में हमें कमजोर करने के लिए हो रही है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी सीटों पे हमें कमजोर करने के लिए हो रही है। लेकिन अल्लाह का फजलो करम है कि आप लोगों का साथ हमारे साथ है, आप लोगों की दुआएं हमारे साथ हैं। बड़े मुश्किल मुश्किल वक्त हमने देखे लेकिन इस जिले में चौधरी जोर अली शहीद का नाम कायम रहा, आगे भी मुश्किल वक्त देखेंगे लेकिन आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों के प्यार से पहले से भी भारी अक्सरियत से इंशाल्लाह कामयाब होंगे। आज हमारी जो मीटिंग थी उसका मकसद था कि वजाज साहब आप सारों से मशावरत करें, तो मुझे उन्होंने माइक दिए, तो मेरी भी ये मशावरत है कि अब कोई वापसी नहीं है, अब अगर टकरना है तो दीवार को सीधे जाके टकरेंगे, अब अगर लड़ना है तो दिलेरी से इंशाल्लाह लड़ेंगे। और इंशाल्लाह मेरा आप सारों से ये वादा है, मेरे वालिद साहब हमेशा आप लोगों के साथ खड़े रहे, मैं भी इंशाल्लाह हमेशा आप लोगों के साथ खड़ा रहूंगा। और मेरा ये पैगाम है आज कि जो भी पहलवान आके इस शहर में या इस हलके में जोर आजमाई करना चाहते सौ बिस्मिल्लाह आके करे, उसका मुकाबला मैं और मोना सलाई इंशाल्लाह करेंगे। इंशाल्लाह गुजरात के लिए, अपनी आवाम के लिए हमेशा हाजिर था, हमेशा हाजिर हूं और हमेशा हाजिर रहूंगा। लोग मुझे कहते हैं कि इतनी कम उम्र में किस काम में पड़ गए हो, ये सियासत बड़ी लंबी खेल है, अभी उम्र तुम्हारी अब तो 30 साल हो गई, तब मैं 19-20 साल का था जब आप लोगों के बीच आया था। लेकिन मेरा आप लोगों से वादा है, चाहे जवानी हो चाहे बुढ़ापा हो, जिंदगी मौत आप लोगों के साथ है, आप लोगों के साथ ही जीना मरना है मेरा। मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूं, मियां इमरान मसूद साहब आप लोगों के साथ खड़े हैं, आपके कायदीन परवेज अलाई साहब, मोने सलाई साहब आपके साथ खड़े हैं। हमने ये साबित करना है कि जो जरदारी और नवाज शरीफ हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमारे अंदर से ही हमें कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, इनको ये वाजे हो जाए कि ये गलत दरवाजों पे खड़का रहे हैं, ये गुजरात की आवाम में दिलों में जगह हमने बनाई है और कोई नहीं हमारे से छीन सकता। इंशाल्लाह आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों के प्यार से हम लोग भी दलेर होते हैं,
जब मैंने फैसला किया था कि अब मेरी बस हो गई है सारे निजाम से, तो वजाज साहब ने उसे पहले पूरे एन ए 68 के हलके को बुलाया था और उन सारों ने भी ये कहा था कि इस निजाम के साथ हम नहीं चल सकते, इन चोरों डाकुओं के साथ हम नहीं चल सकते, हम 2000 से इनसे लड़ते आ रहे हैं। उससे पहले एक ही जमात थी, 2000 के बाद हमारे आपस में इख्तलाफ हुए, उस दिन से आज दिन तक हम इनके साथ लड़ते आए हैं। अल्लाह का फजलो करम है कि अभी भी इन कंधों में इतनी जान है, आगे भी इनसे लड़ते रहेंगे इंशाल्लाह। और कहा जाता है, जब सवाल पूछे कि ये आप लोगों ने क्या किया है, कहा जाता है हमने जुबान दे दी है। मेरा यही सवाल है कि जो 2018 में जुबान दी थी, जिस जुबान के बुनियाद पे हम लोगों ने इलेक्शन लड़े थे, वो जुबान याद नहीं रही, अगली जुबान के पीछे सारे पड़ गए। पहले जो एक जुबान दी है उसको पूरा करें, अगली बातें बाद में होंगी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि यहां पे जुबान की अहमियत सिर्फ अपना फायदा है, अपना नुकसान है। जिधर फायदा हो उधर जुबान काम आ जाती है। अगर हम 2018 वाली बात करें तो वो सारे खामोश हो जाते हैं। सीट एडजस्टमेंट पे इलेक्शन लड़ा गया था, यहां पे भी, चकवाल जिले में भी, अगले पिछले सारे जिलों में, वो जुबान नहीं थी, आज वो जुबान नहीं याद आती। लेकिन आप लोगों का भतीजा है इंशाल्लाह अपनी जुबान का पक्का है, अपनी जुबान पे खड़ा है। इधर मेरी कोई वापसी नहीं है, आप लोगों की मुशावरे से, आप लोगों की मर्जी से अगला रास्ता बनाएंगे। और अगर आप लोगों का साथ हुआ, आप लोगों की दुआएं हुई, इंशाल्लाह ताला हमारा अगला रास्ता भी कामयाब होएगा, अगला रास्ता भी बेहतर होएगा। इसके साथ ही मैं दोबारा तमाम बुजुर्गों का, तमाम भाइयों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और मैं इसी सवाल के साथ इस बात को खत्म करता हूं कि हम लोगों ने ये फैसला किया था 2018 में कि हम इमरान खान साहब के साथ इलेक्शन लड़ेंगे। 100 इख्तलाफ हमारे हुए पिछले 4 साल में, बड़ी दफा मैंने भी खिलाफ बातें की, लेकिन जब बात आई फैसले की, जब बात आई जमीर की, तो मोना साहब भी खड़े रहे, मैं भी खड़ा रहा। अब फैसला आप लोगों के पास है कि आप लोगों ने किस तरफ खड़ा होना है, क्योंकि इस सारे सियासी मसले का हल ना मेरे पास है ना वजाह साहब के पास है, इसका हल आप लोगों के हाथों में है। आप लोगों ने वाजे तौर पे पैगाम देने, आप लोगों ने वाजे तौर पे ये मैसेज देना है कि गुजरात की अवाम, इस हलके की अवाम, चौधरी बरादरान से प्यार करने वाले साथी, उनके बुजुर्ग, वो किस तरफ खड़े हैं। तारीख का मुझे नहीं पता कि तारीख इस सियासी मामले में क्या गवाही देगी, हम तारीख के सही तरफ खड़े हैं या नहीं खड़े, ये वक्त ही बता सकता है। ना मैं अभी ये बोल सकता हूं, ना आप लोग बोल सकते हैं, लेकिन अब फैसला आप लोगों का है कि आप लोग किस तरफ खड़े हैं। अब फैसला आप लोगों का है कि हमने हक और सच के साथ खड़ा होने, या हमने उन मुल्क बेचने वालों के साथ खड़ा होने। आज महंगाई की हालत आप लोगों के सामने है, लोड शेडिंग की तो अभी यहां बैठे ही आप लोगों को हिसाब किताब मिल गए, पेट्रोल की कीमतें आप लोगों के सामने है। वजीर आजम बनते इसने कहा था कि महंगाई हो जाए मैं कपड़े बेच के महंगाई कम करूंगा, आज आवाम इसका इंतजार कर रही है। पेट्रोल की कीमतें हुकूमत में आने से पहले इन लोगों ने कहा कि जी बड़ी ज्यादा हो गई है, 70 रुपए पे लेके आए, तो जो इन्होंने चीखे आवाम की निकाली है, आज उनका जवाब कौन देगा। हम सब ने आवाम की अदालत में जाना है। अब फैसला आप लोगों का है, अदालत आप लोग हैं।
शायद हम सही हो शायद हम गलत हो, लेकिन अगर आप लोगों का साथ हुआ तो जितनी जान है जितनी हिम्मत है इंशाल्लाह ताला डट के मुकाबला करते रहेंगे।